तरह तरह की शिकायतें हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ अभी सबसे बड़ी समस्या है कि मुखिया द्वारा पंचायत में कार्यकारिणी की बैठक ठीक ढंग से नहीं की जाती है। कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थिति के नाम पर हस्ताक्षर तो सभी सदस्यों से करा लिया जाता है, लेकिन योजनाओं को लिखने के समय रजिस्टर पंचायत सेवक लेकर चले जाते हैं, पंचायत सचिव, और बोला जाता है कि जब बाद में योजना लिखकर हम इसे बंद करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे, ये करेंगे, मतलब वो अपने मनमाने ढंग से करते हैं। इसमें कार्यकारिणी का कोई जो है सो कि महत्व नहीं रह गया है, और जिस कारण हम लोग सही रूप से संचालन नहीं कर पाते। ऐसा व्यवस्था किया गया हुआ, थोड़ा आगे भी बात कर लेते हैं इनसे जी, क्या जी का क्या नाम है? ऐसा पंकज कुमार चौधरी, यहाँ ऐसा व्यवस्था किया गया हुआ है कि आधार से वगैरह से अकाउंट तक हैक हो गया हुआ है, समझे कि नहीं? ये जिसको बात आ रही है, पूरे पंचवर्षीय योजना में सिर्फ कागज पर ही वर्क किया गया है, मवेशी शेड हो, मनरेगा हो, या कोई भी वर्क हो, यहाँ आप देखिए कहीं पूरे पंचायत में घूम करके देखिए जो कहीं एक शिलापट लगाया गया हो जो योजना को दर्शाता हो, समझे कि नहीं? करोड़ों करोड़ों का वारा न्यारा यहाँ किया गया, लेकिन यहाँ घूमने से आपको यह पता नहीं चलेगा जो पूरे पंचवर्षीय योजना में इस मुखिया जी के काल में जो है सो यह काम किया गया जी, कहीं शिलापट नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ हमेशा जो है सो रोजगार सेवक और पीटीओ इतना हावी हो चुके हैं, इतना हावी हो चुके हैं, दो चार पांच आदमी का, दस आदमी का अपना उस संगठन बनाए हुए हैं, और जिसके कारण जो है सो इतना वो लोग मुखिया जी दबंगई करवाते हैं जो किसी को बोलने का हक नहीं देते हैं, किसी को बोलने का पावर नहीं देते हैं, कहते हैं जो नहीं बोलेगा तो हम जो है सो ये व्यवस्था कर देंगे, वो व्यवस्था कर देंगे। यहाँ विकास के नाम पर जीरो है, और करोड़ों करोड़ों का वारा न्यारा किया गया है, जो है सो सारा व्यवस्था यहाँ जो है सो सिर्फ कागज पर किया गया है, नहीं रहा है, कहीं शिलापट नहीं है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि यह योजना कितने राशि का है। हालांकि सरकार नीतीश कुमार जी लगातार इन सब योजनाओं पे लगातार इसको धरातल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद उसके उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी इस चीज़ को सुन नहीं रहे हैं। आखिर जनता लगातार सवाल कर रही है, 6 वाट का नल जल यहाँ लगा हुआ है सर, समझे कि नहीं? जी, आज तक एक बूंद पानी नहीं टपका जी, एक बूंद पानी उस नल जल से नहीं टपका, और सारा पैसा को जो है सो उसमें जितना भी कल पुर्जा भी था वो भी जो है सो निकाल कल के लोग अपना जो है सो व्यवस्था कर लिया, कहीं कुछ। यहाँ के वार्ड कौन है? यहाँ के वार्ड जो है सो पिछले बार दूसरा था, इस बार दूसरा है। तो पिछले बार वाले वार्ड से जो आप इसी वार्ड में हैं? हाँ, हम इसी वार्ड में, इस वार्ड सदस्य आपने ये बात पूछे आप? तो सीधा कहा गया जी, सब जो है सो कागज पर होता ही है, जो है सो ये सब काम जो है सो पूरा बिहार में ना देखिए, वो हमरे कला 6 वार्ड के देख रहे हैं, पूरा बिहार में तो यही हुआ है, तो हम कला जाए इस पानी को चलवाने जो है सो। नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, वार्ड सदस्य निर्वाचित होने के बाद ये कहते हैं कि यहाँ इसी तरह से कार्य कागजों पे होता है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं होगा। कुमार जी योजना सब बनाए बहुत ही कारगर, लेकिन उतना ही उनके योजना में भ्रष्टाचार कराया गया, अब उनके द्वारा कराया गया, आकि यहाँ के लोगों के द्वारा कराया गया, यह नीतीश कुमार जी समझे और उनको समझना है, जहाँ हम जो किए उनको जो है फील्ड में वो अपने आदमी को घुमा करके दिखवा दे। आप इसको जो है इस भ्रष्टाचार को कर आप नीतीश कुमार जी अभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक नहीं? अब उनको आप कार्य करने का कुछ ऐसा सुझाव दीजिए नहीं कि किस तरह से कार्य करें कि सारा कार्य जो है पारदर्शिता में आ जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके लिए तो सीधा जो है सो पहले तो यहाँ जो सबसे निचले स्तर का पदाधिकारी है, जैसे पीटीओ है, रोजगार सेवक है, जनप्रतिनिधि है, उन लोगों से बात करके उन लोगों को यह पहले किया जाए जो है सो तुम लोग अपना खाने का जो तरीका है उसको बदल दो। क्या खाने का? माने जो घूस खाने का तरीका, जो लूटने का जो तरीका है उसको बदलो, ठीक है? काम है तो खाओ, खाने का भी कह रहे हैं? हाँ, एक कर रहे हैं जो खाओ, लेकिन वर्क भी करो, कम खाओ, और सिर्फ कागज पर करके और खा नहीं जाओ जो है सो जो पेट कल होकर के फट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी से हम लोग आग्रह करेंगे जो धरातल पर आकर के उस चीज को पब्लिक को दिखावे जो हम कहाँ विकास कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।